बात करें भीलवाड़ा की तो भीलवाड़ा में भी निजी बसों का चक्का जाम रहा और करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ। प्रदेश भर में निजी बसों के सांकेतिक बंद के साथ आज जिले में भी निजी बसों के चक्के जाम रहे। लगभग 1500 से ज्यादा लोक परिवहन बसें व स्लीपर कोच आज नहीं चले, जिसके कारण जिले में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। निजी बस एसोसिएशन जिलाध्यक्ष कलीम काजी ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ता सुबह से ही अलग अलग दिशाओं में टोली के रूप में निकले और निजी बसें बंद करवाई। बाहर से आ रही ट्रेवल्सों में भी स्थानीय सवारियों को नहीं बैठने दिया और तो और बस चालकों के नहीं मानने पर बसों के टायरों की हवा तक निकाल दी। वैसे सांकेतिक हड़ताल में अधिकांश बस मालिकों ने साथ दिया। बस स्टैंड ट्रेवल्स ऑफिस आज सुबह से ही सूने सूने नजर आए। सड़कों पर से तो निजी बसें गायब ही दिखी। बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश चंद्र ओझा ने बताया कि पूर्व में मुख्य परिवहन सचिव श्रेया गुहा व उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें 23 मांगों में से 15 मांगों पर सहमति बनी थी, परंतु आज तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुए। इसलिए अगर हमारी मांगे नहीं मानी और कोई आदेश जारी नहीं हुए तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकाल हड़ताल की जाएगी। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आज बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के आह्वान पर संपूर्ण राजस्थान में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसके अंदर भीलवाड़ा जिले से बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान को संपूर्ण समर्थन भी दिया है। और आज भीलवाड़ा में स्लीपर कोच, निजी बसें जिसमें उपनगरीय, ग्रामीण, स्टेज गरीब, लोक परिवहन सभी बसें आज बंद रखी गई है। फैक्ट्री की स्कूल बसें सभी। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रदेश कार्यकारिणी ने मुख्य परिवहन आयुक्त को एक 24 सूत्री मांग पत्र दिया था आज के 6 महीने पहले। उसके अंदर परिवहन आयुक्त एवं परिवहन शासन सचिव श्रेय गुहा से मीटिंग हुई थी और उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी को यह आश्वस्त किया था कि हम आपकी 24 मांगों में से 13-14 मांगों पर हमारा समर्थन रहेगा और विधानसभा सत्र चलने के बाद हम आपके आदेश जारी करवा देंगे। लेकिन चूंकि श्रेया गुहा रोडवेज की MD होते हुए मुख्य शासन सचिव के पद पर विराजमान है, तो उन्होंने जानबूझकर हमें बस ऑपरेटरों को फायदा नहीं पहुंचाने की नीयत से हमारी जो भी मांगे थी वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई और उसी कारण से आज हम सभी बस ऑपरेटरों को हड़ताल के लिए आना पड़ा और आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। अगर आज की तारीख में अगर सरकार ने कोई हमें उचित कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं किया तो आने वाले 5 या 3 बाद में पूरी संपूर्ण राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी आह्वान करके अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी। जगदीश चंद्र ओझा, प्रदेश प्रवक्ता बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान एवं जिला महासचिव भीलवाड़ा। मुख्य मांग है एक तो हमारा टैक्स कम करना, एक ऑनलाइन ऑफलाइन TP चालू करना और एक हमारा किराया बढ़ाया जाए और टैक्स कम करना, नए रूट खोले जाए जहाँ रोडवेज नहीं चलती है, 2500 परमिट, 4000 परमिट, उन रोडों पे भी प्राइवेट को परमिट दिए जाए। और हम हड़ताल में जाना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूर होकर सरकार गिना, हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते पर मजबूरी में हमें जाना पड़ा क्योंकि रोडवेज हमारा पैसा लेके रोडवेज का घाटा पूरा करेंगे। इसलिए कि रोडवेज आधी आधी लेडीज फ्री कर रखी है और हमें पूरा, अब लेडीज साथ होगी तो आदमी रोडवेज में बैठेगा, इसलिए हमारा टैक्स माफ किया जाए। कलीम काजी, जिलाध्यक्ष बस यूनियन भीलवाड़ा।